दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कल। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीट शेयरिंग पर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। गठबंधन की सीट शेयरिंग और लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना है, किस तरह से सीट शेयर की जाएगी और ये सीट शेयरिंग किस पार्टी की तरफ से कितनी सीट क्षेत्रीय पार्टी को दी जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। और अब क्या इस पर कोई राय एक मत हो जाएगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपको ये जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कल है। कल कांग्रेस मुख्यालय में 3 बजे ये बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीट शेयरिंग पर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा और गठबंधन में जो सीट शेयरिंग की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस लगभग कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, कितनी सीट जो है क्षेत्रीय पार्टियों को देती है, इन तमाम चीजों पर चर्चा कल की जाएगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में। और कनिका हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कनिका, क्या कुछ जानकारी, कल सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है, सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय कर लिया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या उस पर बैठक होनी होगी और प्रस्ताव क्या पास किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये दूसरी बैठक जो है कांग्रेस मुख्यालय में कल दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें पार्टी के तमाम जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं वो सब शामिल रहेंगे। और उसके अलावा इस बैठक की बात करें, सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि जो कल इंडिया गठबंधन की बैठक में तय किया गया सीट शेयरिंग का, कि राज्य के स्तर पर पार्टियां आपस में सीट शेयरिंग का फॉर्म तय करेंगी, उसको लेकर इस बैठक में कांग्रेस पार्टी तमाम अपने सीडब्ल्यूसी के मेंबर के बीच में एक चर्चा कर सकती है। और चर्चा के बाद एक प्रस्ताव जो है पारित हो सकता है, जिसमें एक लाइन का प्रस्ताव पास जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरह से रणनीति बनाएगी, कैसे कैंपेन करेगी, क्या मुद्दे होंगे, कैसे अग्रेसिव कैंपेन किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। और उसके अलावा जो 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार मिली है, उस पर भी चर्चा होगी कि आखिरकार उन राज्यों को लोकसभा के लिए कैसे तैयार किया जाएगा, वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, तमाम नेता वहां मौजूद होंगे और उन पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन इस बैठक के बाद जो 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, गठबंधन की जो कमेटी बनाई है, जिसमें सीट शेयरिंग का बातचीत करने के लिए या हिंदी बल की पट्टी में तमाम नेताओं से बातचीत करने के लिए अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, अजय मुकुल वासनिक की जो कमेटी बनाई गई है, उसके बाद वो लोग जो है क्षेत्रीय दलों से बातचीत करेंगे और उसके बाद अलग अलग नेताओं से बातचीत करने के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगी। लेकिन औपचारिक रूप से जो कल बैठक होगी उसमें लोकसभा की रणनीति और सीट शेयरिंग को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है, ऐसी खबरें हमें मिल रही है। लेकिन इसके अलावा खास तौर पर इस बैठक में जो है लोकसभा की रणनीति पे और आगे आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करने वाली है, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होने वाली है। कि कल इंडिया अलायंस की बैठक जो हुई है मेगा, इंडिया अलायंस की बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है, बड़ा प्लान बनाया गया, उन प्लान को पार्टी अपने नेताओं के बीच में डिस्कस करेगी कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में जो तमाम नेता है उनकी क्या राय है इसको लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कनिका जानकारी के लिए।